आज हम पढ़ने वाले टॉपिक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। क्या होता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्यों बनाती है कंपनी, क्या क्या रियल एग्जांपल्स है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के, उन सबको हम बड़े डिटेल में आज हम समझने वाले। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू किया जाए। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड बिजनेस विच इज ओपन टू कॉम्प्लेक्स प्लानिंग ट्रीटमेंट। क्या बोला जा रहा है, कुछ अगर रिलेटेड बिजनेसेस हैं उन सबको एक साथ क्या करना चाहिए, हमें ग्रुप कर देना चाहिए, तो बन जाएगा हमारा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। मान लेते हैं कि जैसे कि रिलायंस है, वो पेट्रोल का भी काम करती है, टेक्सटाइल का भी काम करती है, कम्युनिकेशंस का भी काम करती है। तो उन्होंने क्या किया कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी काम थे उन सबको एक कंपनी में इन्होंने डाल दिया और उसका नाम कुछ बना दिया, जियो रिलायंस कंपनी। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, तो उसे हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं उसे, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी काम है उन सबको क्या किया गया, एक जगह पे ग्रुप कर दिया गया और नाम डाल दिया गया रिलायंस जियो कंपनी। डेफिनेटली इनका अलग से प्रॉफिट निकाला जा सकता है, इनका अलग से मैनेजमेंट किया जा सकता है, इनका बैलेंस शीट अलग से बनाया जा सकता है। इसलिए इसको एक सेपरेट एंटिटी की तरह हम ट्रीट करते हैं और इसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। क्या ये चीज क्लियर हो गई मेरे दोस्तों? अगला पॉइंट है मल्टी बिजनेस एंटरप्राइज ग्रुप इट्स वेरियस बिजनेस इनटू अ फ्यू डिस्टिंक्ट बिजनेस यूनिट इन अ साइंटिफिक वे नोन एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तो सारे जो हमारे मल्टी बिजनेस एंटरप्राइजेस जैसे टाटा, रिलायंस, इन लोग क्या करते हैं कि भैया अपने जो डिस्टिंक्ट बिजनेस यूनिट्स हैं उन सबको एक साथ कर देते हैं, उन सबको एक जगह पे कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। इतना सारा बिजनेस करना है उनको, इतने सारे अलग अलग टाइप के बिजनेस करते हैं वो, तो जो बिजनेस सिमिलर है एक दूसरे से उन सबको एक साथ ग्रुप कर देते हैं और उनका नाम रख देते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ठीक है, आगे बढ़े। द पर्पस इज टू प्रोवाइड इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब देखो क्या है ना कि सारे एक साथ आ गए, एक यूनिट बन गए, तो अच्छे से इस पर मैनेजमेंट किया जा पाए कर पाएंगे, हम एक अच्छा सीईओ यहाँ पे रख पाएंगे और कहीं ना कहीं इसके लिए अलग से स्ट्रैटेजी हम बना पाएंगे कि देखो कम्युनिकेशन का काम इस तरह से चलता है तो उसकी अलग प्लानिंग, और पेट्रोल का काम कुछ इस तरह से चलता है तो उसके लिए एक अलग प्लानिंग। क्योंकि देखो क्या है कि जो पेट्रोल है वो ज्यादातर एक्सपोर्ट किया जाता है, उसमें अलग अलग टाइप के टैक्सेस इन्वॉल्व होते हैं जो कि कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पे नहीं होता। कम्युनिकेशन के कंज्यूमर्स अलग टाइप के होते हैं, पेट्रोल के कंज्यूमर्स अलग टाइप के होते हैं, तो इसी वजह से दोनों यूनिट को अलग कर दो और दोनों को अलग से हम स्ट्रेटेजी बना के मैनेज करें तो ज्यादा अच्छा होगा। एसबीयू कंसेप्ट इज रेलिवेंट टू अ मल्टी प्रोडक्ट मल्टी बिजनेस एंटरप्राइज लाइक यूनिलीवर लिमिटेड। तो यूनिलीवर का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर कहा जाता है, HUL। ये आपके घर में प्योरिट से लेके आपके घर के तमाम चीजें जो है वो बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे मल्टी प्रोडक्ट मल्टी बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए SBU जो होता है वो बनाया जाता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स SBU कंसेप्ट हेल्प्स अ मल्टी बिजनेस कॉर्पोरेशन इन साइंटिफिकली ग्रुपिंग इट्स बिजनेस इनटू फ्यू डिस्टिंक्ट बिजनेस यूनिट। बहुत ज्यादा हेल्प किया जाता है कि भैया बहुत अलग अलग टाइप के जो बिजनेस ग्रुप्स हैं उनको एक पर्टिकुलर एक यूनिट में आप डाल दो। ठीक है, सिस्टमेटाइज कर दो उसे, जितने कम्युनिकेशन के चार पांच अलग अलग कंपनी बटे हुए हैं उसको सब एक यूनिट बना दो ताकि आप उसे अच्छे से हैंडल और मैनेज कर सको। तो यही था आपका स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तीन मेन इसके कंपोनेंट क्या बताए जाते हैं, तीन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक या फीचर अगर आपसे पूछे तो आप तीन अलग अलग लिखेंगे। सबसे पहला आप ये देख लीजिए, सबसे छोटा जो हमें दिख रहा हैज इट्स ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर। ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अपने में ही एक अलग सा यूनिट, एक अलग सा कंपनी आप समझ लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि वो कम्पीट नहीं करेगा, वो डायरेक्टली कम्पीट करेगा अपने दूसरे कंपिटिटर्स से। उसकी अपनी स्ट्रेटेजी, अपना सीईओ, अपना कंपिटिटर, सब कुछ उसका अपना है यहाँ पे। ठीक है, वो खुद में एक बिजनेस है मान लीजिए आप। क्या बोला जा रहा है, और इट इज अ सिंगल बिजनेस और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेस। या तो वो खुद में एकमात्र बिजनेस है या तो दो चार जो रिलेटेड बिजनेस, जैसे मैंने कम्युनिकेशन की बात की तो उसमें कोई आपका जो डेटा है वो संभालता होगा, कोई सिम कार्ड को संभालता होगा, कोई
नेटवर्क टावर्स को संभालता होगा। तो दो तीन जो रिलेटेड बिजनेस है हम उसे साथ में कर दिए और बना दिए एक जियो कम्युनिकेशन। तो रिलेटेड बिजनेस का मिक्सचर बोल सकते हैं या ग्रुपिंग बोल सकते हैं, और उसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, SBU। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे क्या होती है इंडिपेंडेंट प्लानिंग। इंडिपेंडेंट प्लानिंग का क्या मतलब होता है, यहाँ अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग प्लानिंग होगी आपको। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान और गोल बनाया गया वही आपके ऊपर भी फॉलो होगा, नहीं नहीं यहाँ पे आपकी अलग अपनी खुद की प्लानिंग होगी, एंड विच माइट फिजिबली स्टैंड अलोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन से हटके भी हो सकता है। हो सकता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो 5% की ग्रोथ का है, लेकिन इसका जो गोल है वो 10-15% का भी हो सकता है। क्यों? हो सकता है कि ये जो अलग बिजनेस यूनिट है इसका ग्रोथ ज्यादा अच्छा होता हो, या अभी डिमांड उसकी बहुत अच्छी हो। तो इस तरह से हम अलग से स्टैंड अलोन प्लानिंग भी कर सकते हैं और उसके जो गोल्स है वो भी हम अलग से निकाल सकते हैं, करेक्ट। अब तीसरे कैरेक्टरिस्टिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे अपना इसका खुद का मैनेजर होगा, खुद का CEO होगा और खुद की इसकी प्रॉफिट परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। इसका प्रॉफिट जो होगा वो पूरे जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन उससे अलग यहाँ पे मेजर किया जाएगा, अलग अकाउंटिंग होगी उसकी। जैसे यहाँ पे टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल देखिए, टाटा मोटर्स की एक जो कॉरपोरेट टीम है वो संभालती है PCBU और CVBU। तो दो अलग अलग इन्होंने क्या किया, अलग अलग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बना दिया। किसका? टाटा मोटर्स का। जबकि हमें तो लगता है यार टाटा मोटर्स एक ही कंपनी है, लेकिन नहीं, टाटा मोटर्स ने क्या किया, दो अलग अलग SBU इसने बना दिया। PCBU का अपना प्रॉफिट, CVBU का अपना प्रॉफिट, PCBU का अपना CEO, CVBU का अपना CEO। तो इस तरह से हर चीज दोनों की क्या होगी, बिल्कुल अलग अलग होगी। मेजर रीजन ऑफ यूजिंग SBU अप्रोच आर एज फॉलो। क्या ऐसे कारण जिसकी वजह से हम SBU बनाते हैं, एक ही कंपनी में सारे काम क्यों नहीं कर लेते, अलग अलग यूनिट क्यों बनाते हैं, अलग अलग प्रॉफिट अकाउंटिंग क्यों करते हैं, अलग अलग CEO क्यों रखते हैं, उसके कुछ रीजन हम यहाँ पे देख लेते हैं। अ साइंटिफिक मेथड ऑफ ग्रुपिंग द बिजनेस ऑफ अ मल्टी बिजनेस कॉरपोरेशन विच हेल्प्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सबसे ज्यादा ये हेल्प किसमें करेगा, आपके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में। हर बिजनेस जो कि अलग अलग है तो उसके लिए अलग अलग हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को कर सकते हैं। एन इम्प्रूवमेंट ओवर द ज्योग्राफिकल ग्रुपिंग ऑफ बिजनेस। क्या होता है कि कई बार स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हम लोकेशन के हिसाब से भी बनाते हैं। जैसे इंडिया का जो एनवायरमेंट है वो बहुत अच्छा है, लोग पैसे खर्च करने को रेडी रहते हैं, लेकिन छोटे देश जैसे कि श्रीलंका में आपने बिजनेस खोला, पाकिस्तान में आपने बिजनेस खोला, ये बहुत छोटे देश हैं, बहुत गरीब देश हैं। तो इन देशों में जब आप बिजनेस खोलेंगे तो हो सकता है कि आपको इतना प्रॉफिट ना हो। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप एक कंपनी के अंदर दोनों लोकेशंस को मर्ज नहीं कर सकते। आप एक अलग यूनिट बना दीजिए इंडिया के लिए, एक अलग यूनिट पाकिस्तान के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट इंडिया से हो रहा है, और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस पाकिस्तान से हो रहा है। तो आपको पाकिस्तान में क्या एक्शन लेना है और इंडिया में क्या एक्शन लेना है, ठीक है। तो अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से भी आप बांट सकते हैं। NSBU is a grouping of related business distinct from rest of business। तो जो एक दूसरे से related है उन्हें आप अलग करके group कर दीजिए, जिसके बारे में मैं 3-4 बार आपको already बता चुका हूँ। Grouping the business helps the firm in strategic planning by removing the ambiguity and confusion generally seen in grouping business। क्या है कि जैसे मैं कपड़ा भी संभाल रहा हूँ, मैं पेट्रोल भी संभाल रहा हूँ, मैं जियो भी संभाल रहा हूँ, सब संभाल रहा हूँ, तो मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार मेरा जो प्रॉफिट हुआ है 20 करोड़ का, ये प्रॉफिट जियो से हुआ है या पेट्रोल से हुआ है या क्लोथ से हुआ है। तो इससे बेटर है कि मैं सबको क्या करूँ, अलग अलग कर लूँ। मुझे समझ में आता रहेगा कि ये परफॉर्म ऐसे कर रहा है और वो परफॉर्म वैसे कर रहा है, इसका CEO ऐसा है, उसका CEO वैसा है, तो मैं अपने डिसीजंस ले पाऊंगा, मेरे पास सब कुछ की क्लैरिटी होगी, ठीक है। इसी वजह से क्या बोला जाता है कि SBU से आपकी एम्बिग्विटी और कंफ्यूजन दोनों खत्म हो सकती है। सेपरेट बिजनेस यूनिट है तो भी आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अलग होगा, CEO अलग होगा, स्ट्रेटेजी अलग होगी। तो यही तीन पॉइंट जो है, वही तीन पॉइंट, चार पॉइंट बार बार रिपीट हो रहा है।
आई होप एसबीओ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है पर इम्पोर्टेंट।